मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल के मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे एहसानों का प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे इंसानों का प्यार, मेरी निर्बलता मैं तेरी सामर्थ यीशु मसीह का प्यार, जिसने
यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष में, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हा हालेलुया, हा मसीह में प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करते हैं। जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा, खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार के लिए मैं आया हूं करके, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हम स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान दें। अवसर हम अपने जीवन में, यहाँ तक कि हर रोज़ ये बात होती है, हम कुछ ना कुछ चीज़ों को खो जाते हैं। वो चीज़ वहीं पे होता है, मतलब घर के अंदर ही होती है, भीतर ही होती है, फिर भी हम उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। हमेशा बाइक का चाबी या कलम या बच्चों का स्कूल बैग या स्कूल की यूनिफॉर्म, ऐसी चीज़ें अवसर खो जाती है। वो कहीं बाहर तो नहीं जाती, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता वो कहाँ है करके। अरे परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दूसरा राजाओं की किताब उसकी 22वीं अध्याय का और हम पलटें। यहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ें हो रही है कि मतलब यहाँ पर भी कुछ चीज़ खो गई थी, लेकिन लोगों के अंदर ध्यान नहीं था कि वो चीज़ खो गया, उसे हमें ढूंढना है करके। यहाँ तक कि राजा से लेकर महायाजक या लेवी, किसी को भी कोई परवाह नहीं थी
किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जो खोया हुआ उस चीज़ को हमें ढूंढना है करके, ऐसे क्या चीज़ें जो खो गया करके, अगर हम देखते हैं, आइए देखेंगे 22 अध्याय 2 राजाओं की किताब में, 2 किंग्स चैप्टर 22, ऐसे क्या चीज़ खो गई थी यहाँ पे करके आइए पढ़ेंगे। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था। यहाँ पर एक राजा राज करने में आ रहे हैं, राजपथ में बैठ रहे हैं, योशिय्याह राजा, और उनका उम्र था 8 साल, और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उसने ना तो दाहिने और ना बाएं और मोड़ा। दो बुरे राजा के बाद, जो मनासे और उनके बेटे के बाद, मनासे के पोता योशिय्याह ने अभी राजपथ में आया तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम 2 आयत में पढ़ते हैं 22 अध्याय का, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हालेलुया, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है उन बातों को उन्होंने किया, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला था वैसे ही वो भी चला करके वचन में हम देखते हैं। प्यारों, यहाँ पर एक राजा योशिय्याह राजा जो है, उन्होंने अपने पुरखाओं के समान नहीं, अपने दादा के समान नहीं, या अपने पिता के समान नहीं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ अच्छा किया जो यहोवा की दृष्टि में बिल्कुल उत्तम है, यहोवा की दृष्टि में जो ठीक है। इन्हीं बातों को करने लगा तो जरूर परमेश्वर ने उनकी आत्मा में प्रेरणा दिया होगा कि उनकी जो परमेश्वर का किताब, जो परमेश्वर का लॉ बुक को ढूंढने के लिए, या लॉ बुक उनके हाथों में मिलने के लिए परमेश्वर ने मदद की होगी, क्योंकि हम अंतिम प्रकाशित वाक्य में, अंतिम किताब में पढ़ते हैं जो पवित्र है वो और पवित्र बने करके वचन कहती है। सो इन्होंने अपने आप को और देश को पवित्र करने लगा तो परमेश्वर ने चाहा इन्हें और पवित्र करना है करके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी किताब को ढूंढने के लिए, उनको उनके हाथ में मिलने के लिए एक ऐसा एक मौका दिया, ऐसा एक अवसर उनके जीवन में मिला। आपको पता है कितने साल के बाद यह संभव हुआ, मतलब जो परमेश्वर की वायदे के, परमेश्वर की वो सो मूसा के जो नियमों की किताब, कम से कम 60 साल से वो लापता था, पता नहीं कहाँ है। आपको मालूम है वो कहाँ था, मंदिर में ही था, सुलेमान के मंदिर में ही था, जो मंदिर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बनाया उसी के अंदर ही था वो किताब, लेकिन वो वैसा ही डस्ट में पड़ा हुआ होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज हमारे बाइबल जो हमारे हाथों में दिया हुआ है परमेश्वर ने, है तो घर के अंदर लेकिन कहाँ है। कई लोग हम मसीह होने के नाते भी पता नहीं बाइबल कहाँ है, पता नहीं कितना डस्ट में पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन से सेल्फ में है, क्योंकि हम कभी इसे ढूंढते नहीं है। तो इसके योशिय्याह राजा के जीवन में हम देखते हैं, तो ये किताब हिल्किय्याह करके जो महायाजक था योशिय्याह राजा का, उनके हाथों में मिल जाता है। कब मिलता है पता है, जब योशिय्याह राजा ने मंदिर की मरामत कर रहा था, परमेश्वर के मंदिर की मरामत कर रहा था, तब उनके हाथों में वो चीज़ मिला है। आइए पढ़ेंगे हिल्किय्याह 8 आयत को, उसी अध्याय का 8 आयत को हम पढ़ेंगे। हिल्किय्याह महायाजक ने सापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। कहाँ मिली, यहोवा के भवन में। हालेलुया, यहोवा के भवन में ये पुस्तक मिली है। मैं आपसे एक चीज़ सवाल करना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर जो खो चुका था वो यहोवा की पुस्तक है, या व्यवस्था की पुस्तक है, या इज़राइल लोग है, हमें सोचना चाहिए। हु वॉज लास्ट हियर, इज इट द बुक ऑफ द लॉ और वॉज इट द इज़राइलाइट पीपल।
प्यारों, बाहर से देखने में हमें लगता है कि खो चुका तो वो यहोवा का व्यवस्था है, क्योंकि हिल्किय्याह महायाजक भी वो पुस्तक को ढूंढा और उनके हाथ में ही वही मिला, वो भी परमेश्वर के मंदिर से करके। अभी तो हमने वचन में पढ़ा, इसका मतलब यहोवा का किताब ही खो गया करके। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि खो चुका था वो इसराइल जाति थी, इसराइल लोग थी, इसराइल देश खो चुकी थी। क्योंकि जब हम लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं एक खो गया बेटे के बारे में पढ़ते हैं, को जो खो गया था वो भेड़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब जो खोया हुआ वो जो जिसने वो पिताजी नहीं है, जो दो पुत्रों का पिता है वो खो गया नहीं, वरन बेटा खो गया था। इसी तरह यहां पर खो चुका था वो इसराइल लोग है ना यहोवा की पुस्तक। इसीलिए इसराइल लोग खो चुके थे, इसीलिए उन्होंने यहोवा के प्रति कुछ परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं ढूंढा, परमेश्वर की भली नहीं चढ़ाई, परमेश्वर के बारे में कोई उनका सोच नहीं थी। वे सारे पहाल और उसकी देवताओं को उन्होंने दंडवत करने लगी। अभी बताइए किसने खो गया? यहोवा का पुस्तक नहीं, यहोवा का पुस्तक बिल्कुल वो सुरक्षा में यहोवा के भवन में ही है, लेकिन खो चुके थे ये इसराइल जाति, इसराइल लोग खो चुके थे। प्यारों में आपसे ये कहना चाहती हूँ, आज आप और हम ऐसे ही हो जाते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं परमेश्वर का वचन आजकल इतना नहीं मिलता है करके, लेकिन परमेश्वर का वचन खोया नहीं, वरन हम खो चुके हैं। हम परमेश्वर के नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर के बारे में जितना हमारे लिए प्यास होना चाहिए उतना नहीं होते हैं, जितने हमें भूखे होना चाहिए नहीं होते हैं। पहले परमेश्वर और उसके राज्य को खोज करो, तब ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए दिया जाएगा करके वचन कहती है। उसी तरह आप और हम खोज नहीं करते हैं, इसका मतलब आज खो गई वो आप और हम हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो गिर गया है, अगर वो जिस स्थान से उन्होंने गिरा उसी स्थान से उठें, और तब परमेश्वर कहते हैं प्रकाशित वाक्य में उस कलिशिया को देकर, जहाँ से तू न गिरा उसी स्थान से जल्दी से उठो करके प्रभु कहते हैं। इसीलिए प्यारों में आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि जहाँ से हम लोग गिर गए थे उसी स्थान से आज हम उठें। आमीन, हालेलुया। जरूर प्रभु और हमारे लिए मौका देंगे और अपने वचन को और प्रतिष्ठित रूप में हमें बताएंगे, प्रकाशन देंगे, ताकि आप और हम परमेश्वर की आगमन के लिए हम तैयारी होने पाए। हालेलुया। जिन चीज़ों को हमें सुधरना है, जिन चीज़ों को छोड़कर हमें बाहर आना है, जिस तरीका से योशिया राजा ने अपने सारे इसराइल जाति को यहूदा को आज्ञा दिया, इसी तरह आप और हम हमें मन फेर कर हम यहोवा के पास यहोवा के और नज़दीक हमें आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये कार्य कब हुआ है? 622 BC में, 622 BC मसीह के पहले उस साल में दे फाउंड द बुक ऑफ द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उस व्यवस्था की किताब को योशिया राजा ने उन्होंने पा लिया है, उन्होंने खोज कर निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर योशिया राजा के हाथों में दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने मन को ठीक करने लगा। इतिहास कहती है 26 साल तक जब इन्होंने कलिशिया की परमेश्वर के मंदिर को जब मरम्मत करने लगा और सारी चीज़ों को कार्य को ठीक करने लगा और लोगों को उन्होंने ये चेतावनी दी सबको आना है करके, सारे इकट्ठे हुए। जब उनको परमेश्वर की व्यवस्था मिली तो सारे इकट्ठे करके उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था में जो बातें लिखी हुई थी उन सारी बातों को उनके पढ़कर सुनाया। सुनते तुरंत ही उन्होंने क्या किया? अपने वस्त्र फाड़ा। जैसे उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को सुनी तो अपने वस्त्र फाड़ा और उन्होंने तुरंत ही एक बहुत बड़ी बेदारी को उस देश में यहूदा में लाया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए आपको और मुझको हमें आगे होना अवश्य है। हमारे दिल परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ही हमें और तेज दौड़ना चाहिए, ना इस दुनिया की बातों को। इसलिए कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय कहती है, आप स्वर्गीय और ध्यान लगाओ, ना तो इस पृथ्वी की और वरन उस स्वर्गीय की और आप ध्यान लगाओ करके परमेश्वर का वचन कहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर उन्होंने योशिया राजा ने इस तरह एक बेदारी को लाया है, तो क्या क्या उन्होंने पता है कई सालों के बाद। कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं
दाऊद के समय पर भी हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, फसक का पर्व कितने सालों के बाद फसक का पर्व को इन्होंने मनाया करके यहाँ पर हम इस अध्याय में आगे अध्याय में हम पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। फसक का पर्व क्या है? परमेश्वर कहते थे जब मूसा इसराइल लोगों को मिस्र देश में से बाहर लाया, उसी रात जो अंतिम रात था वहाँ पर परमेश्वर ने एक बछड़ा को बलि करने के लिए कहा और उसे मारने के लिए कहा और उसी लघु को लेकर अपने सारे घरों में लगाने के लिए लगा ताकि जो मृत्यु का स्वर्गदूत आएगा वो आपके घर को पास करके पास ओवर करके और घरों को जाएगा। ये बछड़ा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए अपने लघु बगाया अपना जान दी, उसने क्रूस पर अपने जान को दिया है। हालेलुया। उसके द्वारा ही आज आपका और मेरा उद्धार मिलती है। तो इसी बातों को परमेश्वर ने कहा हर साल आपको करना है करके, यहाँ तक कि यीशु मसीह जब बालक था आपको याद होगा 12 साल का, उस वक्त उन्होंने अपने माता पिता के संग कहाँ गई? यरूशलेम की मंदिर गए थे, किसी लिए? फसक का पर्व मनाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर इतनी बड़ी बातों को लोग भूल गए, परमेश्वर किस तरीका से उस मिस्र में से हमें बाहर लाया, 430 साल के बाद उस गुलामी से किस तरीका से प्रभु ने हमें लेकर आया, बड़े बड़े चमत्कार कार्य करके लाल समुद्र को दो भागा, उसने चट्टान को मारा, पानी आया, लोगों को पानी पिलाया, इसी तरह मारा से प्रभु ने मीठा बनाया, कितने सारे अद्भुत कामों को प्रभु ने करके प्रभु ने इसराइल लोगों को बाहर लिया। इन बातों को याद करने के लिए फसक पर्व को मनाने के लिए प्रभु ने आज्ञा देते थे, लेकिन इस बातों को लोग भूल गए थे, उन्होंने नहीं किया। जब योशिया राजा हिल्किया के द्वारा वो परमेश्वर की व्यवस्था की किताब मिली तो उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दिया हमें फसक का पर्व मनाना चाहिए करके। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। आपके लिए और मेरे लिए एक मेमना बलि हुआ करके इस बात को हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, वो मेमना और कोई नहीं यीशु मसीह ही है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। पूरे देश भर में इन्होंने इतनी बड़ी बेदारी को लाया है, क्योंकि आप जानिए परमेश्वर का वचन वो अनंत काल का वचन है, ये कभी खो नहीं सकती है, ये परमेश्वर की भवन में ही है। हालेलुया हालेलुया। ये खोया नहीं, लेकिन हमारे इग्नोरेंस के चलते हम उसके बारे में ध्यान नहीं किया, हमने इसको खोज नहीं किया, इसके चलते हम खो चुके थे। परमेश्वर का वचन नहीं, ध्यान से सुनिए, इट इज़ नॉट द लॉ ऑफ द लॉर्ड दैट वॉज लॉस्ट, इट इज़ यू एंड आई। आज हमारा हालत क्या है? ऐसे ही कुछ बात नया नियम में है। आप जानते होंगे जो हमारा जो लूका रचित सुसमाचार है, उस सुसमाचार को लास्ट एंड फाउंड सुसमाचार भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम कई ऐसा संभव को दृष्टांत को पढ़ते हैं कि कई ऐसे खोया हुआ चीज़ वापस मिला करके। क्योंकि 15वें अध्याय में 3 बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, एक तो खोया हुआ भेड़ था, दूसरा खोया हुआ सिक्का और तीसरा खोया हुआ पुत्र, ये तीनों ने वापस मिल गया, ये तीन चीज़ों ने वापस मिल गया था, है ना। तो इसीलिए ये लुका रचित सुसमाचार को क्या कहते हैं? लास्ट एंड फाउंड गॉस्पल भी कहते हैं, ठीक है। और एक मुख्य बात एक लुका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, क्या है? आइए पलटिए, दूसरा अध्याय, जैसे मैंने पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताया था, दूसरा अध्याय लुक चैप्टर 2 लुका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय। यहाँ पर एक बहुत बड़ा त्यौहार हो रहा है, इस त्यौहार में शामिल होने के लिए सारे इसराइल लोग जा रहे थे परमेश्वर के सुलेमान के मंदिर की ओर। कौन सा त्यौहार है? जैसे मैंने कहा पास ओवर, फसक का पर्व मनाने के लिए जा रहे थे। 41 से लेकर अंत तक हम इस संभव को पढ़ सकते हैं, आइए एक बार पढ़ेंगे।
40 से लेकर पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, यीशु मसीह के बारे में। और उसके माता पिता प्रति वर्ष फसक के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे, मतलब यीशु मसीह की मरियम और यूसुफ। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे ये समझ कर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 47 जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। यहाँ पर पहले हमने देखा योशिया राजा के समय में जो खो गया था वो परमेश्वर की व्यवस्था का किताब मिली है, क्योंकि उन्होंने ढूंढने लगा, मरम्मत करने लगा मंदिर को, तब उनको हाथ में मिला, हिल्किया महायाजक ने उसे ढूंढ ले आया। यहाँ पर हम देखते हैं जो आदि में वचन था वो वचन परमेश्वर था, और परमेश्वर के साथ था करके यीशु मसीह खो गए। कौन को गए? यीशु मसीह। यीशु मसीह को गए थे क्या, या उनकी माता मरियम और यूसुफ? कौन को गए थे यहाँ पर? यीशु मसीह बिल्कुल परमेश्वर के भवन में, वो खुद कहते हैं मैं अपने पिता के भवन में होना अवश्य नहीं, तो फिर कौन को गए थे यहाँ पर? ऐसे पढ़ने में लगता है यीशु मसीह को गए, लेकिन खो चुके थे वो मरियम और यूसुफ, यीशु मसीह नहीं है। जो हर साल यरूशलेम के हर एक जो लड़के, मतलब बड़े आदमी जो है, उन्हें क्या करना चाहिए, पुरुष लोगों को यरूशलेम में साल में 3 बार होना अवश्य है वो त्यौहार मनाने के लिए, क्योंकि हम व्यवस्था वरण 16 विद्या उसकी 16 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर अब जाना ही जाना है। तो इन्होंने ऐसे ही एक समय पर फसक का पर्व में यरूशलेम की ओर गए थे तो उस समय में किस तरह कैसे जाते हैं, कैरावन में जाते हैं। कैरावन मतलब जो ऊंट होती है, कैमल्स, बिल्कुल ऐसे एक ट्रेन जैसे, बिल्कुल लाइन में कहीं ज़्यादा 10-20 ऐसे 25 ऐसे ही कैमल बिल्कुल एक साथ वो निकलते हैं, उसमें यात्रियों को लेकर जाते थे, आते थे, आया करते थे। ऐसे होता है क्योंकि उस समय जो चोर लोग बहुत होते हैं जंगलों में, इसलिए उनसे बचाने के लिए ऐसे कैरावन मिलकर जाती थी। इसी कैरावन में ये मरियम और यूसुफ और यीशु से भी गए होंगे, जैसे क्योंकि जब वापस लौट कर आ रहे थे तब पहले, मतलब औरतों को बचाने के लिए औरतों को पहले भेजते थे कैरावन में, जो मर्द लोग पीछे आते थे। ऐसे समय पर शायद मरियम ने सोचा यीशु मसीह यूसुफ के साथ होंगे, यूसुफ ने सोचा यीशु मरियम के साथ होगा करके, क्योंकि अभी यीशु मसीह 12 साल हो गया, 12 साल मतलब कि बड़ा हो गया, इसका मतलब वो जरूर अपने जान पहचान लोगों के, अपने कुटुंबियों के साथ होगा करके इन दोनों ने इस तरह सोचा आपस में, लेकिन इन्होंने कभी ढूंढा नहीं। लेकिन एक दिन होने के बाद जब ढूंढे तो वहाँ पर यीशु
नहीं है। तो ढूंढते ढूंढते इन्होंने कहाँ पर आ गई, परमेश्वर के भवन तक आ गया। वहाँ आके मरियम ने और देखा कि क्या बातें हो रही है, बड़े उपदेशकों के बीच में यीशु मसीह बैठ कर उनकी उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनकी बातों को इन्होंने बोल रहे थे। इसे देख कर वे ही लोग भी चकित हो गया और मरियम भी चकित हो गया करके अभी हम वचन में पढ़ा। इतने होने के बावजूद भी मरियम ने नहीं समझा यीशु मसीह की बुलाहट को या क्या है करके, इन्होंने इसलिए पूछा तूने क्यों हमारे साथ ऐसा किया। यीशु मसीह तुरंत उत्तर दिया, आप नहीं जानते क्या मेरा बिजनेस, आई एम इन दी माय फादर्स बिजनेस, में अपने पिता के घर में ही हूँ करके। हालेलुया, यहाँ पर मरियम और यूसुफ खो चुके थे क्योंकि इनको मालूम नहीं है यीशु मसीह की आगमन का मतलब क्या है, यीशु मसीह की जन्म क्यों हुआ, उनके बाद कितने स्वर्गदूत और परमेश्वर की आत्मा आकर कितने बार बताए थे, तो भी इन्होंने अनजान रहा उस बात से, क्योंकि यीशु मसीह की आना ही परमेश्वर अपने पिता के बिजनेस करने के लिए, मतलब अपने जान को क्रूस पे देने के लिए आया करके, इन बातों को इन्होंने जाने नहीं। इसीलिए यहां पर कौन खो चुके थे, मरियम और यूसुफ, यीशु मसीह नहीं, बिल्कुल यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में थे। हालेलुया, हम पहले योशिया राजा के कार्य को देख रहे थे, वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था का किताब खो चुका था, लेकिन वो खोया नहीं, परमेश्वर के भवन में थे, खो चुके थे वो इज़राइल लोग, क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर इन्होंने दूर चले गए थे, इन्होंने और देवताओं को पूजित करने लगे थे, इसलिए वही लोग खो चुके थे और उन्होंने वापस आया। और यहाँ पर खुद यीशु मसीह को ये लोग कह रहे थे कि खो गया करके, लेकिन यीशु मसीह खोया नहीं, वो परमेश्वर के भवन में ही थे, कोई यीशु मसीह को खो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वी कैन नॉट लॉस्ट जीसस, लेकिन हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं। जिस तरीके से लूका 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो दूसरा बेटा, उस पिता का दो पुत्र थे, उन्होंने दूसरा पुत्र जो है वो खो चुका था, लेकिन उन्होंने वापस लौट कर आ गया, यहाँ पर सचमुच खो गया, कौन था, वो बड़ा पुत्र था, जो पहला बेटा था वो खो चुका था, क्योंकि उन्होंने अभी क्या कर रहा था, मैं घर के अंदर नहीं आऊँगा, मेरा पिता मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं करके। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु मसीह के प्रिय लोग, हम तीन बातों को ध्यान दिया, आप जानते हैं इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं। तो पहली बात, व्यवस्था का किताब, उसके बारे में लोग अनजान रहे थे, परमेश्वर का वचन कहती है, परमेश्वर का वचन की अनजान से ही लोग क्या हो रहे हैं, दे आर डिस्ट्रॉइंग themselves, वो मरते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के प्रति उनका ज्ञान नहीं करके, खुद परमेश्वर कहते हैं। प्यारों, आज इस अंतिम समय में आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर के इस वचन के प्रति ज्ञान होना बहुत ही आवश्यकता है। हालेलुया, हम ये नहीं सोचना चाहिए परमेश्वर खो गया या यीशु मसीह खो गया या परमेश्वर का व्यवस्था का किताब खो गया, नहीं नहीं, हम खो चुके हैं, हमें वापस मुड़ कर आना चाहिए, हमें वापस इसी वचन की और हमें दौड़ कर आना चाहिए, हमें वापस प्रभु यीशु मसीह के करीब, यीशु मसीह के नज़दीक हमें पहुंचना चाहिए, ताकि यीशु मसीह की इच्छा को आप और हम पूरा करने पाए। जिस तरीके से योशिय्याह राजा ने पूरा किया परमेश्वर की इच्छा को, इसी तरह आप और हम पूरा कर सकें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज और अच्छी तरह आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की इस पुस्तक आपके मुंह से अलग ना हो करके, परमेश्वर ने जोशुआ को यहोशु से कहा, तेरा ये परमेश्वर की व्यवस्था का किताब तेरे मुंह से कभी ना निकलना, तब मैं तेरे संग रहूँगा, जिस तरह मैंने मूसा के साथ रहा उसी तरह मैं तेरे संग भी रहूँगा करके परमेश्वर ने योशुआ को वादा किया है। वो परमेश्वर आज हमसे भी कहते हैं, हमें इस परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर की इस वायदा से हमें अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग हो जाएंगे, इसका मतलब जो खोने हम खो चुके हैं, हम खो जाएंगे, ये परमेश्वर का वचन नहीं खो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, अगर परमेश्वर का वचन सचमुच हमारे दिल में होगी तो हम कभी खोने, वी विल नॉट बी लॉस्ट, हम कभी लापता नहीं होंगे। हालेलुया, आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं राजा इस समय के लिए खुदावन, प्रभु कई लोग हम समझते हैं प्रभु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की व्यवस्था खो गया या यीशु मसीह खो गया करके, लेकिन खुदा प्रभु
हम खो चुके थे, इज़राइल जाति खो चुकी थी, लेकिन प्रभु आज हम वापस मुड़ कर तेरे पास आते हैं, तेरे वचन के और हम नज़दीक आते हैं खुदावन, ताकि हमारी आंखें खोल, हमारे दिल को खोल दे, ताकि तेरे आश्चर्यचकित इन बातों को हम समझने पाए खुदावन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मरियम और यूसुफ की तरह प्रभु हम वापस लौट कर आते हैं तेरे पास खुदावन, हालेलुया, ताकि तेरी इच्छा को हम जाने, तेरी प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में जो भी है उन बातों को हम जानने पाए और उसे पूरा करने पाए राजा, और तेरे लिए साथ दे सकें खुदावन। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम तेरी अगुवाई को मानते हैं खुदावन। अभी इस कोरोना में कितने महीने हो गया, अभी कलीसिया इकट्ठे नहीं हो पा रही है खुदावन, आप हमारे ऊपर मदद कर राजा, दया कर, ताकि तेरी इच्छा को हम जान सकें खुदावन, तेरी प्रभु तेरे राज्य के लिए हम और कार्य करने पाए खुदावन, हमें बता दे, हमें सिखा दे और किस तरीके से हमें आगे बढ़ सकें खुदावन। हालेलुया हालेलुया। कभी हम कोई हुए भेड़ के समान नहीं, कोई हुए सिक्के के समान नहीं, या कोई हुए उस पुत्र के समान नहीं, वे सारे चीजें तो मिल गई, लेकिन सचमुच में खोया हुआ तो हम ही लोग थे खुदावन। इन बातों को हम अच्छी तरह जाने, हमारे दिल की बातों को हम जाने खुदावन, हमारे दिल की परिस्थिति को हम जाने, हम कहां पर हैं, हम खो चुके हैं या नहीं है करके इन बातों को हम अच्छी तरह जाने। पवित्र आत्मा हमें सहायता कर, इस वचन को सुनने वाले हर किसी को सहायता कर, उन्हें छू ले राजा, और मन फेर कर वे वापस आ सकें तेरे पास। तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम से खुदावन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करें और अच्छे से इन वचन को ध्यान दीजिएगा। इट इज़ नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, बट इट इज़ नॉट द लॉ ऑफ द लॉर्ड दैट वॉज लास्ट, इट वॉज द इज़राइलाइट द नेशन दैट वॉज लास्ट। एंड इन न्यू टेस्टमेंट इट इज़ नॉट Jesus that was who was last, it is Mary and Joseph, they were last in Luke chapter 2. God bless you, take care.